स्विस बैंक्स में अभी तक इंडियन फंड्स के रूप में 2020 तक 20,700 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं, जो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। पर क्या आपको ये बात जान के हैरानी नहीं हुई कि ये अमाउंट पब्लिक कैसे है? क्योंकि आम जन में तो यही परसेप्शन है ना कि स्विस बैंक में तो करप्शन के पैसे जमा होते हैं। फिर कैसे आज ये अमाउंट हम सबके सामने है? और क्या इस अमाउंट के साथ हमें ये भी पता है कि ये पैसे किस किस इंसान, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने जमा करा रखे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये सारा पैसा इंडिया से करप्शन करके स्विस बैंक्स में भेजा गया है? और जब इसकी जानकारी सार्वजनिक है तो गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और अगर ले रही है तो वो एक्शंस क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, स्विस बैंक का नाम सुनते ही दिमाग में ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और बॉलीवुड फिल्म्स की कहानियां आने लगती हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक यानी SNB के मुताबिक 243 बैंक्स हैं। स्विस बैंक मेंशन करता है कि इंडियंस के डिपॉजिट्स लेजिटिमेट हैं, पर इंडिया में स्विस बैंक और ब्लैक मनी का टॉपिक हमेशा गर्म रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS इंडियन रेसिडेंट्स को $250,000 तक एवरी फाइनेंशियल ईयर किसी भी देश में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट करने की छूट देती है। इंडिया ने स्विट्जरलैंड से एक पैक्ट भी किया है जिससे इंडियन रेसिडेंट्स और क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन फ्लो हो सकती है। इससे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पकड़ा जा सकता है। LRS से परमिटेड ये पैसे किसी भी देश में ट्रांसफर हो सकते हैं केवल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा नॉन कोऑपरेटिव घोषित देशों को छोड़कर। आज दोस्तों स्विस बैंक की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने अपना एनुअल डेटा रिलीज किया है। स्विस बैंक्स में इंडियन इंडिविजुअल्स, फर्म्स और इंडिया बेस्ड ब्रांचेस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंड्स 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रांस हैं। यह अमाउंट इंडियन रुपीज में 20,700 करोड़ है। स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक के डेटा के अनुसार ये पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा शार्प राइज है। हालांकि ये राइज सिक्योरिटी और अदर इंस्ट्रूमेंट से होल्डिंग की है, जबकि कस्टमर डिपॉजिट्स नीचे गिरे हैं। SNB यानी स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक ने इस पूरे अमाउंट को 2020 के एंड तक टोटल लायबिलिटीज और अमाउंट्स ड्यू टू देयर इंडियन क्लाइंट्स कहा है। इसमें 4000 करोड़ कस्टमर डिपॉजिट्स, 3100 करोड़ दूसरी बैंक्स द्वारा होल्ड, जबकि 16.5 करोड़ फिड्यूशरीज और ट्रस्ट के द्वारा डिपॉजिट शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स, सिक्योरिटी और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की होल्डिंग 13,500 करोड़ अदर अमाउंट्स ड्यू टू कस्टमर्स में शामिल हैं। इस स्टीप राइज को एनालाइज करने के लिए एक बार हम प्रीवियस ट्रेंड्स पर भी नजर डालते हैं। इस स्टीप राइज ने रीसेंट पास्ट यानी पिछले 2 सालों के ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है। 2019 एंड में स्विस बैंक्स में इंडियन क्लाइंट के एग्रीगेट फंड्स केवल 6,625 करोड़ थे। इससे पहले 2018 में ये फंड्स 6,757 करोड़ थे। दोस्तों, इंडियन क्लाइंट्स की होल्डिंग 2006 में रिकॉर्ड हाई थी, जो 6.5 बिलियन स्विस फ्रांस यानी करीब 53,000 करोड़ थी। 2006 के बाद मोस्टली ट्रेंड डिक्लाइनिंग रहा है। केवल 2007, 11, 13 और 2017 में थोड़ा ग्राफ अपवर्ड मूव हुआ था। जैसे 2007 में स्विस बैंक्स में इंडियन फंडिंग 9,000 करोड़ की थी। स्विस बैंक्स ने धीरे धीरे एनोनिमिटी, सेफ्टी और टैक्स हेवन की रेपुटेशन बनाई है। हालांकि अब दोस्तों टॉप सीक्रेट अकाउंट्स जो एक टाइम पर स्विस बैंक्स में होते थे लगभग खत्म हो गए हैं, और टैक्स से बच पाना अब मुश्किल हो गया है। स्विस सेंट्रल बैंक ने RBI के साथ 2018 में एक डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद से इंडियन सिटीजन के पैसों का डेटा RBI के साथ शेयर किया जा सकता है। ऐसे ही कई अग्रीमेंट्स US ने भी किए हैं। सालों के एक्सटेंसिव नेगोशिएशंस के बाद 2016 में इंडिया और स्विट्जरलैंड एक ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट में एंटर हुए थे। ये एग्रीमेंट जनवरी 1, 2018 से इफेक्ट में आया है। इस 2016 के पैक ने इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच डिसएग्रीमेंट को एंड किया। इससे पहले तक स्विट्जरलैंड अकाउंट होल्डर्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने और टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इंसिस्ट करता था। ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने डेवलप किया था। इन स्टेप से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्लो प्रमोट हुआ और बैंकिंग सिक्रेसी का एरा एंड हुआ। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में मनी होल्डिंग बहुत सेफ मानी जाती है क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी स्टेबल है
और ये कंट्री किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के वक्त शांत रहती है। इसके अलावा स्विस बैंक्स सभी मेजर करेंसीज में अकाउंट्स खोल देती हैं और लो फाइनेंशियल रिस्क के साथ न्यूट्रलिटी और मोस्ट कैपिटलाइज्ड बैंक्स हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।